गया संगू नको पता तो चले लेकिन जिसको पता चलना है उसको चल गया शेरू को अरे बड़ो तुम्हारे घर में जाना देख ला अरे वो उधर मेरा घर है आपका घर स्विमिंग में है शेरू खा लिया मजा खत्म शेरू चलो मेरे शेरू पकड़ा पकड़ी खत्म क्या हालत है क्या जैसा था मैंने पीछे थेपला लगा दिया यार तुमने आज क्या नहीं किया यार भाई इतने दिन आप मेरी मस्ती कर रहे थे वो कुछ नहीं अबे मैंने थोड़े से मस्ती के तो आपको बुरा लग गया पविता जी ये तो बराबर नहीं है ना कम ऑन यार नाउ बी अ स्पोर्ट शेरू अरे मेरा बेटा शेरू क्या खा रहा है बेटा अरे अरे मेरा शेरू बेटा थेपला खा रहा है खा खा बेटा खा मस्त बनाती है थेपले ओ जेठालाल भाई ये तो चमत्कार हो गया है अरे तो चमत्कार चमत्कार ही हो गया जिस शेरू से इतना डरते थे उससे एकदम दोस्ती कैसे हो गई ओ मेहता साहब हुआ यूं के और इस चमत्कार के लिए मेहता साहब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी देवगण जीओं को कि उन्होंने अजय देवगण जी को भेजा तो उनकी और मेरी दया की वजह से शेरू के प्रति जो मेरा डर था वो प्यार में बदल गया वाह आप तो जीनियस हो अभी ये बात है शेरू दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते ओहो बबीता जी के दर्शन आज नहीं हुए दर्शन हो जाते तो सच में गुड मॉर्निंग हो जाती अरे शेरू यारा कैसा है नाश्ता करना है आजा आजा ऊपर आजा दया ने तेरे लिए थेपले बना कर ही रखे आजा लो शेरू लो खाओ लो, 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 आ, कैसे लगे थेपले अच्छे लगे टप्पू के पापा थेपले कैसे लगे अच्छा शेरू ने जवाब नहीं दिया तो मुझसे पूछ रही है अरे भाई मुझे और शेरू दोनों को तेरे हाथ के बने थेपले अच्छे ही लगते हैं इसलिए तो दोनों खा रहे हैं थैंक यू हाँ बोल बोल बगा बोल नहीं भाई नहीं मैं अपने आप दुकान पहुंच जाऊंगा आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है अरे भाई मेरे मन से अभी कुत्ते का डर निकल गया है शेरू अभी मेरा दोस्त हो गया है यहाँ मेरे बाजू में खड़े रह के वो थेपला खा रहा है दया के हाथ का ये चमत्कार कैसे कब हुआ वो सब मैं दुकान आके विगत पर बताऊंगा ठीक है चलो अभी फोन रख गुड मॉर्निंग बबीता जी हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी कहाँ तक पहुँचे साइकिल पे कहाँ तक पहुँचे जीठा जी आप भी ना रे क्या हुआ शेरू भौंक क्यों रहे टप्पू के पापा आप अपना हाथ रुमाल भूल गए तो शेरू के हाथों भिजवाया है थैंक यू दया जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र थैंक यू बेटा थैंक यू शेरू बबीता जी वेरी स्मार्ट थैंक यू मैं शेरू को बोल रही थी
मैं वो सिर की तरफ से ही आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। क्या बोलता, मूंगा प्राणी है ना, बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए उसके तरफ से मैंने बोला थैंक यू। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। जेठा जी वेरी स्मार्ट, और मैंने ये आपको कहा। तो मैं तो मूंगा प्राणी नहीं हूँ, तो मैं तो बोलूंगा थैंक यू बबीता जी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज चलने का ही तुम्हें, वाह वाह वाह। बचपन में मेरी माँ भी मुझे आंगन में बिठा के ऐसे ही नहलाती थी। वाह वाह। ओ वाह वाले, तुम्हारे बचपन में पानी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आजकल मालूम है महाराष्ट्र में कितना पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी बारिश बहुत दूर है। अरे अब्दुल भाई, वहाँ पे बाल्टी भरी पड़ी हुई है ना, उसका इस्तेमाल करो, ऐसे पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, अभी 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 लेके आए। बंद करो पहले नल। चल खेलते हैं। गो, गो। आ, पोपड़लाल। अरे समझ गया भाई, भिड़े घर पे नहीं ले जा रहा हूँ, यहीं बैठ के पढ़ रहा हूँ। शाबाश शेरू, शाबाश। ये मेंटेनेंस का चेक आत्माराम तुकाराम भिड़े को दे के आओ, जाओ। शाबाश। मेहता साहब, चेक मिल गया मेंटेनेंस का। मिल गया ना? अरे बच्चों, तुम लोग भी कितना खेलोगे, थोड़ी पढ़ाई करो। दादाजी हम अभी पढ़ाई करके आए, माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर खेल रहे थे। खेलने के बाद चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ठीक है। दादाजी आप भी हमारे साथ खेलिए ना। हाँ दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम लोग खेलो, मैं सरदार गार्डन जा रहा हूँ चलने के लिए। चलो ना, हम भी दादाजी के साथ शेरू को लेकर गार्डन जाते हैं। हाँ गुड आइडिया, दादाजी हम भी आपके साथ चले। हाँ 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 चलो, लेकिन पहले जाकर अपने मम्मी पापा को बोल के आ जाओ। अरे मम्मी, ओए मम्मी। चाचा जी, गुड मॉर्निंग। अरे डिब्बे, तू आज काम पे नहीं गया? आज क्या छुट्टी है? नहीं, जा काम पे जा। एक्चुअली आज मैंने छुट्टी ली है। क्यों? वो मेरे दोस्त का फोन आने वाला था। फोन आने वाला था उसमें छुट्टी? नहीं नहीं, क्या है चाचा जी, वो मेरे दोस्त के मामा के गांव में किसी लड़की का रिश्ता है, उसके लिए फोन आने वाला था। फोन आया? हाँ। क्या हुआ? क्या होगा चाचा जी, भाई बदनसीबी, मेरे दोस्त को ही वो लड़की पसंद आ गई, तो उन्होंने आपस में रिश्ता तय कर लिया। कोई बात नहीं डिब्बे, तू चिंता मत कर, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हम सब लोग सरदार गार्डन जा रहे हैं। ओहो,
तो फिर तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलो बच्चा चलो बच्चो, तुम लोग शेरू के साथ खेलो, डिब्बे तू भी जा खेलने, तब तक मैं थोड़ा चल लेता हूँ। अरे चाचा जी, आप भी शेरू के साथ खेले ना, चलने से ज्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ दादा जी, खेले ना। ए शेरूड़ा, खेलेगा मेरे साथ? खेलेगा ना। चल पुत्र, बहुत बढ़िया काम किया। चल मैं कहना सारा नु एक एक कुत्ता दे पालना ही चाहिए। ये लो जी तुम्हारा जी। थैंक यू। मुझे नहीं जी, इस डॉगी को कहिए। इस डॉगी की वजह से आपका पर्स वापस आया है। आपकी डॉगी की वजह से आज मेरा पर्स बच गया। शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम वेलकम जी। बहुत ही प्यारा डॉगी आपका, आज तो इसने कमाल कर दिया जी। चंगा जी, चलो सत श्रीकाल। अच्छा, ये लड़की का नाम परी है? अरे कितनी क्यूट है। बहुत क्यूट है। आवाज भी कितनी स्वीट है। रियली बहुत स्वीट आवाज है। वाह, आंखों की तो क्या बात है, मस्त आंखें है। वाह वाह वाह, क्या पर्सनालिटी है, एकदम कूल है, चाल भी गजब की है। ये चाल वाली, अब क्या पूरा निबंध लिखेगा उस पे? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। बच्चों चलो 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 चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। लगता है बेबी को हमारे साथ खेलना है। हाँ। आप भी हमारे साथ खेले ना। प्लीज। ओके। थैंक यू। थैंक यू। चलो 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 चलो। थैंक यू। मेरा मतलब इट्स ओके, ऐसा होता रहता है ना खेलने में। वो बोले कल। हाँ हाँ बेटा, गोगी
नमस्ते। लगता है आपके परिवार को डॉगी बहुत पसंद है। हाँ, और सिर्फ हमारे परिवार को ही नहीं, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को शेरू बहुत पसंद है। गोकुलधाम सोसाइटी, वो जो पाउडर गली में है वो? हाँ वही। और हम लोग वसुंधरा सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा, हमें भी डॉगी बहुत पसंद है। और परी? परी तो हमारी जान है। अच्छा, आपकी बेटी का नाम परी है? नहीं नहीं, वो जो वो प्यारी सी डॉगी है ना, उसका नाम परी है। और उसके साथ में जो है वो हमारी बेटी पिया है। चाचा जी, परसों ही हमारी परी का बर्थडे था और हमने उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया था। मतलब पूरे 50,000 का खर्चा किया था हमने। हाँ, दुनिया क्या कहती है उसकी हम परवाह नहीं करते। परी को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अरे वाह, मतलब आप परी से बहुत प्यार करते हैं। हम भी शेरू से बहुत प्यार करते हैं। वो देखिए चाचा जी, शेरू और परी कैसे घुल मिल गए हैं। नहीं नहीं, आप ना इन दोनों को खिला दो। ओके ठीक है, आप खिला दीजिए। बहुत शौक था आइसक्रीम का। अच्छा, इसको सारे फ्लेवर पसंद है? हाँ, स्ट्रॉबेरी है। अरे ओके, सुनो पिंकू, चलो बच्चा चलो। चाचा जी थोड़ी देर और रुकते हैं ना। ए डिब्बे तू रुक, हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को अभी पढ़ाई भी करनी है। आप यहाँ रोज आती है? या डेली। ए डिब्बे तू आ रहा है कि हम लोग जाए? अरे नहीं नहीं चाचा जी, आ रहा हूँ। बाय 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 बाय। चल चल बाय। अरे कहाँ लेट के चल रहा है, सीधा चल रहा है। सॉरी चाचा जी, सॉरी। बाय बाय। बल्ले बल्ले। चल शेरू, चल चल चल, आराम से। मम्मी पापा, शेरू और परी पहली मुलाकात में कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए ना। हाँ, लेकिन तू क्या सोच रही है? एक्चुअली शादी। शादी? पापा प्लीज। ठीक है बेटा, आज रात को ही गोकुलधाम जाके उन लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू शेरू, आज तेरी वजह से मेरी शादी पक्की हो रही है। मैं भी कहा तुझसे ये सब बातें कर रहा हूँ, कुत्तों को शादी के बारे में क्या पता। पोपट परी के साथ आसमान में उड़ेगा। दोस्तों, हमेशा शादी के लिए मचलने वाले पोपट लाल इस वक्त खुशी के मारे आसमान में ऐसे जैसे कोई पतंग उड़ रही हो, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि इस पतंग की डोर कट चुकी है। या फिर यूं कहूं कि कोई बहुत दिनों का भूखा आदमी लड्डू सामने पड़े उन्हें खा ले और बाद में पता चले कि ये लड्डू तो लकड़ी के हैं, भूख तो मिटेगी नहीं और दांत भी हिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग जरूर हिल गया है ये जानकर के प्रिया और उसके माँ बाप अपने डॉगी परी की शादी, उनका रिश्ता शेरू के साथ करना चाहते हैं। भाई आप भी आश्चर्यचकित होंगे, अभी आश्चर्य तो बहुत होगा जब ये रिश्ता गोकुलधाम में आएगा। और जब गोकुलधाम में ऐसी सपने में भी ना सोची हो ऐसी बात होगी तो क्या हाल होगा पोपटलाल का, मैं जानता हूँ। ये हंगामेदार कहानी आप अभी ही देख लेना चाहते हैं, आप सोचने का भी पता चल जाएगा क्या होने वाला है जब ये पता चलेगा पोपटलाल को कि ये रिश्ता शेरू के लिए। इतनी आसानी से नहीं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।